जो आज हम मेरा घर पद्य के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ते जाती हूँ वैसे वैसे ही आपको अपने फिंगर को उंगली पर रखना है। चलिए, मेरा घर, सबके घर है, मेरा भी है, आपका भी है, दूसरों का भी है, आपके फ्रेंड्स का भी है। तो जीवन व्यतीत करने के लिए, घर में रहने के लिए और खाना पानी खा कर सोने के लिए एक छत चाहिए होता है, उसे हम घर कहते हैं। घर में व्यक्तियों का सम्मिलन रहता है। व्यक्ति मतलब माँ, बाबा, अज्जा, अजी, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, चाचा, चाची कहते हैं, अंकल, आंटी, सबका रहते हैं घर में, तो उनको हम अपना परिवार कहते हैं। उसी तरीके से मेरा घर यहाँ पे पद्य है, इसके बारे में आज हम जान लेंगे, ठीक है। चलिए, मेरा घर सबसे प्यारा, हर खुशियों का आंगन है, माँ की ममता, पिता का स्नेह, दादा दादी का जहाँ दुलार है, रहते सब मिलजुल कर कहाँ जहाँ कहीं ना मन मुटाव है, ऐसा सुंदर है घर मेरा, मेरा घर है, मेरी जान है। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी कविता है। कविता में क्या कहा गया है, मेरा घर है, मेरा एक छोटा सा घर है, घर में सबसे न्यारा खुशियों का आंगन है। खुशियों का आंगन मीन्स खुशियों का माहौल, और घर के सामने जो खुली जगह रहती है, वो जहाँ पे हम रंगोली वगैरह डालते हैं, वहाँ पे उसको हम आंगन कहते हैं। और आंगन में तुलसी रहती है, तो वहाँ कैसी है, वो स्वस्थ और सुंदर है, और घर का आंगन प्रसन्न है, मतलब घर के जो लोग हैं आनंदित है, सब कुछ खुशहाल है ज़िंदगी, तो वहाँ पे खुशियों से भरा है उनका आंगन करके कह रहे हैं। उसके बाद है माँ की ममता। माँ जब प्रेम करती है तो मन खोल के प्रेम करती है, किसी को द्वेष या किसी को गुस्से से नहीं करती। सबकी माएँ होती है, मेरी माँ है, आपकी माँ है, आपके फ्रेंड की माँ है, आपके भाई की भी एक ही, आपकी भी माँ और भाई की भी माँ एक ही है, तो उस तरीके से सबकी माँ जो है उसका ममता, और पिता जो है वो घर का छत होता है, और वहाँ है वहाँ पिता का स्नेह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके फ्रेंड्स रहते हैं उसी तरह आपका पहला फ्रेंड होता है आपका पिता, और पहली गुरु होती है आपकी माता। तो यहाँ पे क्या है, जो पहली गुरु है वो है आपको विद्या पढ़ाना लिखना, संस्कृति और अच्छे संस्कार देती है, ठीक है। उसी तरह पिता जो है एक मित्र का किरदार निभाता है, जो एक बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार देने में, ताकि और उसके भावनाओं को समझाने में और समझने में और समझाने में मदद हो सके, इसलिए पिता का कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पिता यहाँ स्नेह के समान होता है। दादा दादी जहाँ दुलार है, दादा दादी का जहाँ दुलार है, दादा दादी इतना अप्रतिम प्रेम करते हैं कि जब भी माँ हम कुछ भी गलत करें तो डांटती हैं, है ना, लेकिन दादा दादी क्या करते हैं, हमें गुस्सा नहीं करते, फिर भी वो दुलारते हैं, ठीक है, प्यार से ही लेकर बैठते हैं और प्यार ही करते हैं। और उसी तरीके से आगे जो है, रहते सब हैं मिलजुल कर जहाँ कहीं ना मन मुटाव है। यहाँ पे क्या है, सभी घर में कौन कौन रहता है, मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई, बहन, अंकल, आंटी, एक्सेट्रा, ये लोग सभी रहते हैं, और इनके मन में कोई भी मन मुटाव यानी कि ग्रजस यानी कि झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये एक दूसरे के प्रसन्न रहते हैं और एक दूसरे से खुश रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि हर एक घर में, अभी तो आजकल न्यूक्लियर फैमिली बहुत हो गई है, तो सिर्फ मम्मी पापा बच्चे उतने ही रहते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कैसा होता था, उनके दादा दादी, नाना नानी,
चाचा चाची मामा मामी ये सभी मिलकर एक बड़ा सा परिवार रहता था। यहाँ पे दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा और आप लोग ऐसे बड़ा सा परिवार रहता था। लेकिन आजकल दुनिया में उतनी बड़ी फैमिली देखने के लिए कम मिल रही है। तो ऐसा है मिलजुल कर जैसे पहले कैसे रहते थे, एक ही घर में एक ही साथ सब कुछ मिलकर सब कुछ अच्छी तरीके से करते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, आजकल सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे उतने ही रह रहे थे, लिए तो छोटी फैमिली रहती है। कभी किसी के घर में दादा दादी है, कभी किसी के घर में नाना नानी है, किसी के घर में नहीं है, किसी के घर में है। तो यहाँ पे है ना, पहले ज़माने में बहुत बड़ी फैमिली रहती थी, लेकिन एक ही हेड रहता था, वो हेड का ही सुनते थे, दूसरों का किसी का नहीं सुनते थे। तो यहाँ पे जो सदस्य है, घर का मेन सदस्य बोलता था, उन्हीं पर ही काम चल जाता था। तो यहाँ पे इनके मन में कोई भी मन मुटाव नहीं रहता था। ऐसा सुंदर है मेरा घर है मेरे जान। आजकल लोग ज़्यादातर मकान में रह रहे हैं, लेकिन घर में लोग नहीं रह रहे, क्योंकि रहने के लिए सोने के लिए उतना ही आते हैं, बल्कि पूरा दिन वो अपने काम में व्यतीत करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अभी काम के लिए जाते हैं, सुबह 10 बजे गए तो शाम के 7 बजे आते हैं, तब तक में घर में कोई भी नहीं रहता, हालांकि बच्चा एक ही रहता है। लेकिन पहले ज़माने में कैसा रहता था, यदि माँ बाप काम को गए तो भी ना उसके दादा दादी या कोई भी घर में रहने वाले बड़े बुज़ुर्ग उनको देखभाल करने के लिए रहते थे। अभी प्रेजेंट दुनिया में इतना बहुत कुछ कम हो गया है। तो पहले के ज़माने में लोगों को अपना घर ही अपने जान लगता था, लेकिन अब ऐसा है कि दुनिया में कि लोग कम अपने घर में और बाहर ज़्यादा रहने लगे हैं। तो फिर भी हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी वक्त मिले तो अपनों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए और एक दूसरे को प्रेम देना चाहिए और एक दूसरे को घर में रहने के लिए समय व्यतीत करना चाहिए और एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने के लिए उनको समझना चाहिए, ताकि अपने घर में मकान छोड़कर वो घर को घर बनाए रखे और एक दूसरे पे प्रेम बनाए रखे। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों को अपने उनकी इज्जत उनको देनी है और उनको सम्मान देना आपका कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर पे चलिए, 7 पे, बिंदुओं को आपस में मिलाकर चित्र बनाना। देखिए घर का चित्र दिखाया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, उस बिंदुओं को वो डॉट को आपको जॉइंट करके वो पूरा घर बनाना है और उसमें कलर भरने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम सीखेंगे अपने घर की रसोई में मिलने वाली चीज़ों को गोलाकार करना, वो कैसे किया जाता है वो आपका होमवर्क रहेगा, वो करके आइए, अगले क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो मैंने बताया है वो ध्यान में रखिए और इन बिंदुओं को मिलाकर घर का कलरिंग कीजिए। उसके बाद आपके रसोई घर में जो कोई इसमें से इस चित्र में से वस्तु है उसको गोलाकार करके रखिए। यहाँ पे क्लास वर्क में करने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में है वो कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम सीखेंगे और कुछ नहीं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।